हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज ब्लाउज क्लास का फर्स्ट दिन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लाउज कटिंग का पैटर्न बनाने के लिए क्या क्या मेजरमेंट होना चाहिए और मेजरमेंट कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से एक मेजरमेंट सेट किया है जिसमें दोस्तों ब्लाउज का हमने नाप यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले दोस्तों हमने लंबाई 13 इंच लिखा है, चेस्ट 30 इंच लिखा है, कमर 26 इंच लिखा है, एपेक्स पॉइंट 8.5 इंच लिखा है, फ्रंट नेक और बैक नेक हमने यहाँ कॉलर लिखा है, शोल्डर दोस्तों हमने 13 इंच लिखा है, स्लीव्स 5, गुलाई 10 और आर्मल 14 इंच लिख रखा है। दोस्तों ये हमने एक स्टैंडर्ड माप सेट कर लिया है। अब दोस्तों आपका जो मेजरमेंट होगा ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच, 14 इंच, 14.5 इंच, 15 इंच, 15.5 इंच, 16 इंच तक भी हो सकती है। ये दोस्तों हर साइज की बॉडी के फिगर के हिसाब से आप ब्लाउज का लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने चेस्ट 30 इंच लिख रखा था, चेस्ट 31 इंच, 32 इंच, 33 इंच, 34 इंच, 35 इंच, 36 इंच, जितना भी ज़्यादा होगा उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर लंबाई भी बढ़ेगी और यहाँ पे कमर का भी नाप बढ़ेगा। कमर का नाप दोस्तों 26, 27, 28, 29, 30 इंच, 31 इंच, 32 इंच इस तरह से बढ़ता चला जाएगा जब बॉडी का मेजरमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे एपेक्स पॉइंट भी बढ़ेगा 8.5 इंच, 9 इंच, 9.5 इंच, ये बॉडी का जब मेजरमेंट चेस्ट में बढ़ेगा तो यहाँ पे एपेक्स पॉइंट भी डाउन होगा इस हिसाब से। अब दोस्तों हमने यहाँ पर आगे का नेक अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेंगे और बैक दोस्तों जब कॉलर रहेगा और यहाँ पे 30 इंच के बॉडी के हिसाब से शोल्डर 13 इंच है तो 13 का हाफ प्लस 1/2 इंच मार्जिन पे हम कटिंग करेंगे शोल्डर। इसके बाद दोस्तों जब 3 इंच गला हो जाएगा तो शोल्डर 13 इंच का हाफ 6.5 इंच पे कटिंग करेंगे। जब 4 इंच पीछे का गला होगा तो यहाँ पर 1/4 इंच कम कर देंगे। इसी हिसाब से दोस्तों ये 30 इंच के बॉडी में जब यहाँ पे पीछे का गला बढ़ता जाएगा तो हमारा शोल्डर दोस्तों यहाँ पे 1/4 इंच कम होता जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों मेजरमेंट पैटर्न पे सेट किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब बॉडी का मेजरमेंट बढ़ेगा तो शोल्डर का भी मेजरमेंट बढ़ेगा, जैसे कि 13.5, 14 इंच, 15 इंच, 15.5 इंच, इस हिसाब से दोस्तों शोल्डर का मेजरमेंट बढ़ता चला जाएगा। 15.5-16 इंच तक इस हिसाब से बढ़ेगा शोल्डर। जब बॉडी का साइज बढ़ेगा तो हर चीज़ का साइज बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों स्लीव्स की लंबाई तो हम हर एक साइज पे लेंगे उतना ही, लेकिन यहाँ पे आर्म की गोलाई बढ़ेगी तो दोस्तों 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13, 14, 15, 16 इस हिसाब से बाजू की गोलाई बढ़ेगी साइज के हिसाब से। जब चेस्ट बढ़ेगा तो उसी तरह से आर्मोल की भी गोलाई बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे 30 इंच पे 14 आ रहा था तो इस हिसाब से दोस्तों 14, 15, 16, 17 इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। 18, 20 तक भी बढ़ सकता है जब चेस्ट बढ़ेगा तो। दोस्तों ब्लाउज कटिंग के लिए हमें यही मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। आपका बॉडी किसी भी साइज का हो लेकिन मेजरमेंट लेने का यही तरीका है। सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे, जितना भी आपकी लंबाई हो चेस्ट का माप ले लेंगे, कमर का और एपेक्स पॉइंट का। इसके बाद दोस्तों गला का नाप लेंगे। पीछे का गला दोस्तों डिपेंड होता है, पीछे गला कितना रहेगा उसी हिसाब से शोल्डर की कटिंग होती है। तो इस पर मैं दोस्तों वीडियो डिटेल में बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों बाजू की लंबाई ले लेंगे और बॉडी के हिसाब से यहाँ पर गोलाई इस हिसाब से बढ़ता जाएगा और आर्मोल भी बढ़ेगा। इस मेजरमेंट को दोस्तों मैं पैटर्न पर आपको बता के दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने बैक का पैटर्न लिया है और ये दोस्तों हमारा लंबाई का निशान होता है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा दोस्तों चेस्ट का निशान हो जाएगा, इसके बाद ये कमर का निशान हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गले को इस तरह से क्रॉस में मेजरमेंट लेंगे। अब दोस्तों ये हमारा शोल्डर हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों ये हमारा बैक प्लेट का निशान है। तो ये दोस्तों हमारा बैक मेजरमेंट था। अब मैं आपको फ्रंट का मेजरमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने बैक में चेस्ट, कमर, लंबाई, गला ये माप के दिखाया है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें
ये अपेक्स पॉइंट होता है जो कि हमारा ब्रेस्ट पॉइंट होता है। तो इस तरह से मेजरमेंट लेंगे, आपका जो भी साइज होगा उस हिसाब से ये अपेक्स पॉइंट होगा। इसके बाद दोस्तों आर्मोल का निशान होगा, ये आर्मोल है। इसके बाद स्लीव की लंबाई हो जाएगी और उसकी गोलाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये ब्लाउज का मेजरमेंट लेने का और लिखने का तरीका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।